उज्जैन स्वर्ग है। क्यों है, चलिए जानते हैं। एकमात्र स्थान जहां शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है, कुंभ महापर्व का भी आयोजन किया जाता है। यहां 3.5 काल विराजमान है, महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। यहां 3 गणेश विराजमान हैं, चिंतामन, मंझामन, इच्छामन। यहां 84 महादेव हैं, यहीं 7 सागर भी हैं। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है। ये मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान है। यही वो स्थान है जिसने महाकवि कालिदास दिए। उज्जैन विश्व का एकमात्र स्थान है जहां 8 चिरंजीवियों का मंदिर है। ये वो 8 देवता हैं जिन्हें अमरता का वरदान है। बाबा गुमान देव हनुमान 8 चिरंजीवी मंदिर। राजा विक्रमादित्य ने इस धरा का मान बढ़ाया। विश्व की एकमात्र उत्तर दिशा में बहने वाली शिप्रा नदी यही है। इसके शमशान को भी तीर्थ का स्थान प्राप्त है, जिसे चक्र तीर्थ कहते हैं। यहां 9 नारायण और 7 सागर हैं। भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा यहां के राजा विक्रमादित्य ने दिया था, जिनके राज्य में सोने के सिक्के चलते थे। सम्राट राजा विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत का आरंभ हुआ, जो हर साल चैत्र माह के प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। उज्जैन से ही ग्रह नक्षत्र की गणना होती है और कर्क रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है। और तो और, पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है महाकाल का मंदिर। महाभारत की एक कथानुसार उज्जैन स्वर्ग है। यदि आप भी अवंतिका और कालों के काल महाकाल के प्रेमी हैं और पुजारी हैं, तो इस संदेश को सभी शिव भक्तों तक पहुंचाइए। जय श्री महाकाल।